का बेयम आयुर्वेदिक का नाम यहाँ पे उनका वेरेंट का नाम यहाँ पे फेस वॉश यहाँ पे लिखा हुआ है इनकी क्वांटिटी एंड ये आता है ये वाले कैप के साथ वाले कैप के साथ विच इज़ वेरी गुड फेस वॉश इसी तरह के कैप्स में होने चाहिए ओके सो दिस रिटेल्स फॉर वन नाइन नाइन और इसकी जो क्वान्टिटी है वो है हंड्रेड एम एल आपको इसके पीछे मैसेज भी मिलता है इन्ग्रीडियंट्स भी मिलते हैं हाउ टू यूज़ भी मिलता है इसका जो बैच नंबर एक्सपायरी एमआरपी जो कुछ भी है वो आपको क्रिम्प पे मिल जाएगा ओके सर बॉट दिस पर्टिकुलर फ़ेस वॉश बिकॉज इट्स ए इट्स अ ग्लो फेस वॉश और सैफरन वेरिएंट में आता है एज वी ऑल नो कि सैफरन जो होता है हमारी स्किन को लाइट ब्राइट ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है साथ में साथ हमारी जो रेडियंस होते हैं स्किन का उसको बढ़ाने में हेल्प करता है मुझे लगा आयुर्वेदिक है तो ये कुछ काम करेगा अच्छे से करेगा एंड मैंने इसका एक और फेस वॉश लिया था एक और वेरियंट लिया था डैट इज़ हल्दी चंदन वाला वो मेरे मम्मा यूज़ कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो यूज़ कर चुके हैं एंड आई यूज़ दिस वन ठीक है तो इसका क्या हुआ ग्लो फ़ेस वॉश है लिखा भी हुआ है ग्लो फ़ेस वॉश है और मैंने इसको आई थिंक फिफ्टीन और ट्वेंटी डेज़ तक यूज़ किया है बड़े आराम से अभी भी नहीं ख़त्म तो हुआ मेरा क्वान्टिटी वाइज ठीक है बट ग्लो के नाम पर वट इट डज मेरी स्किन को डल बना दिया मेरी स्किन और ज़्यादा डल हो गई लाइक बड़ी गंदी सी स्किन हो गई थी उसके बाद मेरे एक्नि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए मेरे को ब्रेकआउट्स ऑब्वियसली एक्न ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए मेरी स्किन अजीब सा रिएक्ट करने लगी इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद में एंड आई डोंट नो कौन सा इसमें इंग्रेडिएंट ऐसा है जो मेरी स्किन को सूट नहीं करा बट इट डजन वर्क फॉर मी अगर इस प्रोडक्ट के टेक्सचर की बात करें इस फेस वॉश के टेक्सचर की बात करें तो ये एक बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी का है जेल फॉर्म टाइप है बट जेल भी बहुत ज़्यादा रनी है। बहुत ज़्यादा ही रनी है एंड प्रोडक्ट में से निकली भी हुई है एंड इसकी जो फ्रेगरेंस है वो ना सेफ्रन जैसी है ना किसी और चीज़ की जैसी है इसमें हल्की सी लेमन जेस्ट की मतलब फ्रेगरेंस आती है साथ में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बासी खाना नहीं होता वैसी सी इसकी स्मेल है ई हेट दैट आई हेट दैट स्मेल एंड नाउ आई हैव टू वॉश इट इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट दैन इट इज़ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस बिकॉज ये वाला जो फेस वॉश है वो आपके फेस को भी अच्छे से क्लीन नहीं करता है इसकी जो फॉर्म है वो भी अच्छे से नहीं बनती है बट वो एक अलग पाता है कि कहीं फेस वॉश ऐसे होते हैं जो फॉर्म नहीं बनाते हैं बट स्टिल आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं ये वो काम भी नहीं करता है आप इसको अप्लाई करें अपने फेस अपना वॉश करा अगर कुछ नहीं लगेगा कोई डिफरेंस नहीं आपके फेस में लगेगा कि बिफोर एंड आफ्टर में कुछ हुआ है कुछ भी नहीं होता है सेम का सेम रह जाता है इट्स टाइम फॉर प्रोज एंड कौन सो प्रो तो ढूंढ़ ढूंढ के लाने पड़ेंगे बाय द वे फर्स्ट प्रो इज दैट इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड ये फ्लिप कैप के साथ आता है विच इज़ वेरी गुड affordable कैटेगरी में आपको मिल जाएगा पर्पल डॉट कॉम पर हमेशा सेल लगी रहती है तो उस टाइम पर लोगे तो आपको ये वन नाइन नाइन की जगह वन फोर नाइन का वन फाइव नाइन का वो अच्छा से मिल जाएगा दैट इज़ ओके और अभी कौन सी बात करते हैं फर्स्ट कौन इज वर्क ही नहीं करता है सेकेंड इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा रन नहीं है आप इसको बड़ा अच्छे से अपने फेस पे नहीं कर सकते हो अप्लाई और बहुत ज़्यादा आपको लेनी पड़ती है आपके फेस को क्लीन करने के लिए थर्ड इज ये फेस को इतने अच्छे से क्लीन नहीं करता है और इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी वेड है अगर तो लेमन जेस्ट की स्मेल आती है आपको अच्छी लगती है देन इट्स ओके बट उसके अलावा इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी वेड़ है क्योंकि कभी कभी लेमन जेस्ट को छोड़ के वेड सी स्मेल आती है दैट्स इट्स एंड द लास्ट वन विल भी अगर आप कोई फेस वॉश लेते हो और आपका वो फेस वॉश आपके फेस को ही क्लीन ना करे ग्लो छोड़ो ब्राइटनेस छोड़ो जो भी है वो सब छोड़ के फेस मेन जो पर्पज़ होता है फेस वॉश का आपके फेस को क्लीन करना अगर वो पर्पज से कंप्लीट ना हो तो वो वेस्ट ऑफ मनी होगा प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी है बट आई विल मेक इट वर्थ माय मनी बाय वॉशिंग माय मेकअप ब्रशेस विद दिस दैट्स इट दैट्स माय रिव्यू फॉर दिस प्रोडक्ट आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल एंड यूजफुल इफ यस दैन लाइक दिस वीडियो शेयर विद य फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टूर माई चैनल ऑल्सो